हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज है 10th ऑफ जून और आज का टारगेट जो होने वाला बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इसमें कुछ काम आपको डेली बेसिस पे मिलने वाला, कुछ काम चेंज रहता है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि सही में अगर आपको बैंकर बनना है ना, आँख बंद करके डेली टारगेट जो है ना पूरा करना शुरू कर दो, कुछ ही दिन में जो है ना फर्क जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते। तो सबसे पहला जो काम आपको ये करना है ना कि इसमें प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक लेना है, ठीक है। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है ना, उस एक सब्जेक्ट का जो है 2 सेक्शनल मॉक आपको लगा के उसका सॉल्यूशन जो है कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस में ना, तो मेंस में आज आपको सेक्शनल मॉक में लगाना है इंग्लिश का। इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाओ और उसके बाद उसका जो है सॉल्यूशन आप आराम से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखो, 10 पजल जो है ना, प्री लेवल पजल आपको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो आता है ना, लॉजिकल रीजनिंग में जो चीज़ पूछा जाता है उसको थोड़ा सा एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद पाई चार्ट, देखो क्वांट का यहाँ पे 2 सेक्शन है, ठीक है ना। पाई चार्ट में जैसे पाई चार्ट का कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आपको ये प्रैक्टिस कर लेना कम से कम इसका एकदम, है ना। और मैथ में जो टाइम एंड वर्क है ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ, और इसका 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। सबसे पहले अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर उसके बाद तब 10 क्वेश्चन यहाँ से करना। सिंप्लीफिकेशन 10 कम से कम सॉल्व आपको करना ही करना ऑन द डेली बेसिस। जो जो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज तीनों का ये जो कंटिन्यूअस वे मैं दे रहा हूँ ना, तो ये सब आपका ना स्पीड बढ़ाएगा, ध्यान रखना, तो ये आपको करना जरूरी है। इंग्लिश का बात करते हैं तो देखो रीडिंग जरूरी है, तो एटलीस्ट आधा घंटा आप रूटीन कर लो कि आधा घंटा हमको रीडिंग करना ही करना है कम से कम। ये टाइम आप धीरे धीरे अपना इंक्रीज कर लेना। 10 वो क्या आप डेली बेसिस पे इसी न्यूज़पेपर का 2 RC आपको सॉल्व करना, आरसी का लेवल धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा एकदम। पारा जंबन जो है आज ये टॉपिक दे रहा हूँ, इसका 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिन लोगों का सपना है ना कि हाँ SBI PO या फिर IBPS PO क्रैक कर रहे हैं ना, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो, जिसमें जो भी न्यूज़ वगैरह रहता है ना, उसको अपने लैंग्वेज में भी टाइप करना शुरू कर दो, ठीक है ना। जैसे ऐसे अगर आपको समझ पाना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आप ना एडिटोरियल वगैरह पे स्विच कर जाना। करेंट अफेयर्स में डेली अपडेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जैसा 10 जून है तो आज वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद वीकली रिवीजन चलता है एकदम पूरा, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एकदम पूरा चलते चला जा रहा है एकदम। जैसे आज है 15 से लेकर 22 मार्च तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका आप कुछ भी लगा लेना। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन में स्टेडियम इन इंडिया जो है ना, ये वाला ये मतलब देखो, अब ऐसा नहीं कि रोज का स्टार्टिंग मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब 1 सप्ताह यही चलेगा, तो अब किसी दिन आप देख लिए 1 सप्ताह, अगर आप रोज एक बार देख भी लोगे ना, कम से कम देख तो सकते हो, ठीक है ना, देख सकते हो उतना तो आपको ऑप्शन जो आएगा एग्जाम में तो छटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन मैं जो दे रहा हूँ उसको बस एक बार आप देख लो, आप बस काम आपका निकल जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर, एक टॉपिक में 2 दिन देता हूँ, क्योंकि आप एक नोटबुक बैंकिंग अवेयरनेस का तैयार कर लो, ठीक है ना, जहाँ पे आप यूट्यूब से हो गया, PDF से हो गया, बुक से हो गया, गूगल से हो गया, सब जगह से डाटा कलेक्ट करके आप उसको आप नोटबुक में तैयार करना, उसको फिर आप याद कर लेना, ठीक है। तो वही आज सबसे पहला जो टॉपिक है ना, RBI और इसका फंक्शन क्या होता है, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। कंप्यूटर में हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वाला टॉपिक कवर कर लेना है। डेली क्विजेज आप लगा लिया करो, बहुत सारा ऐसा फ्री सोर्स है जहाँ से आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड किया जाता है, आप कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जो जो कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जो जो ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो वहाँ से आप शेयर कर लेना एकदम। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, हाँ तैयारी करना ही करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।